हेलो गाइज, मैं हूँ चंदन मौर्य और आप देख रहे हो नॉलेज फॉक। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने ब्लॉग के लिए कोई भी डोमेन नेम कैसे परचेज कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। और आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे ये डोमेन नेम सुन के। यानी कि पहला सवाल है आपका, जैसे डोमेन नेम क्या होता है और इसे क्यों खरीदना चाहिए, ये दो सवाल है आपके। सो इसका जवाब है, पहला, डोमेन नेम क्या होता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हो जिसके लास्ट में डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी लगा होता है ना, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे मेरा वेबसाइट नॉलेज फॉक डॉट इन एक डोमेन नेम है। दूसरा शॉप नाउ डॉट इन एक डोमेन नेम है। जैसे ले लो गूगल डॉट कॉम एक डोमेन नेम है। फेसबुक डॉट इन डोमेन नेम है। ऐसे जिस वेबसाइट के लास्ट में आप डॉट इन, डॉट नेट या फिर डॉट कॉम वगैरह लगा हुआ देखते हो, वो डोमेन नेम होता है। एक तरह से बोले तो ये आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसे लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पे आते हैं। जैसे मेरे वेबसाइट का एड्रेस या डोमेन नेम नॉलेज फॉक डॉट इन, इसे कोई गूगल पे सर्च करेगा तो डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक एड्रेस खरीदना पड़ता है, एक डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, जिसे लोग गूगल पे सर्च करके आपके वेबसाइट पे आए, तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम। और दूसरा सवाल है आपका कि इसे क्यों खरीदना चाहिए। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है गाइस, इसे इसलिए खरीदना चाहिए कि आप तो वेबसाइट बना लिए और वेबसाइट तो बनाकर छोड़ोगे नहीं, इतना मेहनत से वेबसाइट बनाए कुछ कमाने के लिए ना। अगर आप जब तक एक डोमेन नेम खरीद के अपने वेबसाइट से ऐड नहीं कर लेते हो, जोड़ नहीं लेते हो, तब तक आपके वेबसाइट पे ऐड नहीं लग सकता। यानी कि आप एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और जब तक एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके ब्लॉग पे वेबसाइट पे ऐड नहीं आएंगे, और ऐड नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा, और फ्री में तो कोई काम करना चाहता नहीं है। इसलिए गाइज, इसलिए हमें डोमेन नेम लेना पड़ता है। और डोमेन नेम जैसे आप खरीद लोगे और उस एडसेंस के लिए सब कुछ एसईओ वगैरह करके एडसेंस के लिए भेजोगे तो जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है। इसलिए आपको एक डोमेन नेम खरीदना बहुत जरूरी होता है। और इसे कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो गाइस, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है चंदन मौर्य 14। सो गाइस, चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो डोमेन नेम खरीदने के लिए इंटरनेट पर वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे bigrock.in, godaddy.com, reseller.com, domain.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अपने लिए एक डोमेन नेम खरीद सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बिगरॉक से कैसे डोमेन नेम खरीदना है बताऊंगा। तो चलिए बिगरॉक पे चलते हैं। बिगरॉक पे जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना होगा bigrock.in। जैसे आप bigrock.in टाइप करोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये जो देख रहे हो bigrock का जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है आपका जो डोमेन नेम, आप जो डोमेन नेम खरीदना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको वह नेम टाइप करना है जिस नाम से आप डोमेन नेम लेना चाहते हो। जैसे मैंने वेबसाइट बनाया चंदन मौर्य से, तो मेरा जो नाम है उस नाम को यहाँ सर्च करूँगा उससे अवेलेबल है या नहीं। जैसे आप देख सकते हो CHNDANMAURYA, मैंने इसे सर्च किया, आप देख सकते हो CHNDANMAURYA। मैं इसको यहाँ सर्च करूँगा तो यहाँ देख सकते हो जितने भी अवेलेबल होंगे सब यहाँ दिख जाएगा। आपको एक बार अपना वर्ड जरूर चेक करना है कि आपने जो वर्ड यहाँ डाला वो सही है या नहीं, जैसे देख सकते हो। नहीं तो अगर आप उसी वर्ड से खरीद लेते हो अपना डोमेन नेम, तो उसी वो हमेशा के लिए आपका रह जाएगा गलत ही। इसलिए आपको एक बार चेक करना है अपना वर्ड। जैसे यहाँ देख लो, कोई इसमें बीच में कोई एक वर्ड मिस्टेक हो जाए, जैसे CHNDANMAURYA, मेरा बिल्कुल सही है, आपका सही है। आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार चेक कर लो, ठीक है गाइज। यहाँ से आप बहुत सारे डोमेन नेम अवेलेबल है मेरे लिए, लेकिन मैं यहाँ से लाइफ वाला डोमेन नेम खरीदूँगा। आप जब भी खरीदो तो डॉट नेट लो, डॉट इन लो, उसके बाद आप डॉट ओ आर जी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है सब। लेकिन मैं डॉट लाइफ लूँगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है चंदन मौर्य डॉट लाइफ। ये डोमेन नेम इंटरनेट पे अवेलेबल है अभी, इस नाम से किसी ने ख़रीदा नहीं है। सो गाइज, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अपने लाइफ से जुड़ी हर एक बातें यहाँ पर शेयर करूँगा, इसलिए मैं ये लाइफ का डोमेन नेम परचेज कर रहा हूँ।
सो आप यहाँ से जो भी डोमेन नेम लेना चाहते हो उसे आप यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से लाइव वाला डोमेन नेम लूँगा, तो इसके लिए मुझे बाय का बटन पे क्लिक करना होगा। जिसे मैंने बाय पे क्लिक किया और देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ चेकआउट का बटन आ गया और यहाँ 199 रुपया पर ईयर, 1 साल के लिए 199 रुपये दिखा रहा है। और आप देख सकते हो, तो इसको ख़रीदने के लिए चेकआउट पे आपको क्लिक करना होगा। जिस चेकआउट का बटन नीचे आपको दिख रहा है, इस चेकआउट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप इसे, जैसे आपने चेकआउट के बटन पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से खोल कर आ जाएगा। अगर आप अभी यहाँ से होस्टिंग लेना चाहते हो, अपना ईमेल आईडी लेना चाहते हो प्रोफेशनल, तो ले सकते हो। इसके लिए आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको ऊपर भी दिख जाएगा कंटिन्यू टू चेकआउट और नीचे भी दिख जाएगा कंटिन्यू चेकआउट। तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं नीचे वाला पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार से यह। तो मुझे इसको 1 साल के लिए लेना है, तो मैं यहाँ से 1 ईयर सेलेक्ट करूँगा और इसका प्राइस देखता हूँ घटा या नहीं। तो देख सकते हो 199 रुपये हो चुका है घटकर। अगर आप अपने वेबसाइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने वेबसाइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसे 499 रुपये पे करके इसे खरीद सकते हो। आपका वेबसाइट पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा, हैक वैक का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर नहीं लेना चाहते हो तो इसको अनचेक आप कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ से किया और 499 रुपये हट गया। आप देख सकते हो यहाँ 199 रुपये डोमेन नेम है और यहाँ 36 रुपये टैक्स लग रहा है। तो कुल मिला के पूरे हो गए 235 रुपये। टोटल अमाउंट हमारा हुआ कितना, 235 रुपये। अब मुझे 235 रुपये पेमेंट करके यह डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसके लिए नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे, मैंने किया और यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से, यूपीआई से, किसी भी चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। सो गाइज, मैं यहाँ पे करूँगा डेबिट कार्ड से पेमेंट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से पे वाले बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं पे वाले बटन पे क्लिक किया, प्लीज़ वेट का आपको ये देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग चालू था यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस हो। मेरा एड्रेस ऑलरेडी फिलअप है यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे डोमेन नेम इसी वेबसाइट से खरीदे हुए हैं। जो आप मेरा पहला वेबसाइट देखते हो knowledgefog.in और sopno.in, यहीं से परचेज किया हुआ है। सो गाइस, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे आप फिलअप करोगे और नीचे आप देखो पेमेंट इन्फॉर्मेशन हैगा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप डेबिट से करना चाहते हो तो डेबिट सेलेक्ट करोगे आप। जैसे मैं डेबिट से करना चाहता हूँ, डेबिट सेलेक्ट किया। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेलेक्ट डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। आपका डेबिट कार्ड रुपे क्या है या फिर कोई और है, तो जैसे मेरा रुपे है तो मैं इस रुपे पे क्लिक करूँगा और ये सेलेक्ट हो चुका है रुपे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कार्ड नंबर फिलअप करने का ऑप्शन, तो इस कार्ड नंबर को आप यहाँ पर फिलअप कर लो। जैसे मैं यहाँ पर कार्ड नंबर अपना फिलअप कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया है अपना कार्ड नंबर। इसको मैंने ब्लर किया है, इसको ब्लर करना जरूरी था इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन डालना है पेमेंट का। जैसे यहाँ आप अपना कार्ड नंबर डालोगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालोगे, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे CVV नंबर डालोगे जो आपके कार्ड के बिल्कुल पीछे होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उस तरह का CVV नंबर होता है, उसे आप यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है गाइज, और यहाँ से आपको कर देना है पेमेंट वाले बटन पर क्लिक। मेक अ पेमेंट लिखा हुआ है और प्रोसेसिंग वगैरह होगा और पेमेंट हो जाएगा। अब मेरे नंबर पे एक OTP आएगा जिसे मुझे वहाँ फिलअप करना पड़ेगा और आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ गया कि पेमेंट हो चुका है और मैं इस डोमेन नेम को परचेज कर चुका हूँ एकदम सक्सेसफुली। सो गाइज, आप अभी आपको देखने को मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस डोमेन नेम को मैंने परचेज किया और कहाँ दिख रहा है।
मेरे अकाउंट से 234 रुपये कट चुके जिस हैं। अकाउंट से आप लॉग इन किए हो, यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा जिस अकाउंट से आप लॉग इन किए हो, जैसे यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है और मैं माई अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो पहले से थे shopno.in और knowledgepok.in यहाँ पहले से अवेलेबल है, और 23 तारीख को मैंने इसे परचेज किया था, एक को 23 फरवरी और दूसरे के 23 मार्च को, और ये 2021 तक वैलिड है। और इसे देखो, आज जिसे मैंने परचेज किया चंदन मौर्य लाइफ, इसका यहाँ पे दिख रहा है आज 2 जून है, तो यहाँ डेट भी दिख रहा है और 2 जून 2021 तक ये वैलिड है। इसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, इसका पेमेंट करना पड़ेगा, फिर ये आपका रहेगा। नहीं तो आप रिन्यूअल नहीं करवाते हो तो ये खुद हट जाएगा। ये डोमेन नेम 1 साल के लिए अब आपका हो जाएगा, जब 1 साल के लिए आप इसे परचेज कर लोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे सक्सेसफुली परचेज कर लिया है और मेरे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में यह दिख रहा है। और मैं यह अगले वीडियो में बात करूंगा कि इसको अपने ब्लॉगर अकाउंट से कनेक्ट कैसे करना है। सो गाइज, मैं मिलूंगा फिर आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखकर ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे आपको एक डोमेन नेम परचेज करना है गाइज। सो मैं करता हूँ वीडियो को यही एंड।